अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, यू आर वाचिंग हॉक्स आई। वेल, आज का जो मेरा टॉपिक है वो इंतहाई दुख से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में वो हालात हो गए हैं कि जहाँ पे गरीब का जीना दो भर हो चुका है। पाकिस्तान अभी तारीख की बदतरीन महंगाई के दौर से गुजर रहा है और इस कयामत खेज महंगाई में रोज़ बरोज इजाफा होता चला जा रहा है। शहबाज हुकूमत ढाई माह वजारत उज़्मा के मज़े उड़ा लेने के बाद अब ये वक्त आ चुका है कि शहबाज शरीफ नए इलेक्शन का ऐलान करें, क्योंकि इस भामती का कुंभा ये जो 11-12 पार्टियाँ बराजमान हैं हुकूमत के ऊपर और उनको पता नहीं है कि हुकूमत कैसे चलानी है। जो सो कॉल अपने आप को तजर्बाकार कहते थे, इनको आए हुए अभी ढाई माह भी नहीं हुए, तो पेट्रोल की प्राइस इन्होंने 80 से 85 रुपये बढ़ा दी। इन सब में जो सबसे अच्छा खेल रहे हैं वो हैं आसिफ अली जरदारी, क्योंकि तमाम आइनी अहदों पर उनका कब्ज़ा है। उसके अलावा बेटे को उन्होंने वज़ीर ख़ारजा बना लिया और कल कलां ये हुकूमत जो नाकाम होगी इसका भी सेहरा जरदारी साहब ने इन्हीं के साथ डालना है, क्योंकि वो ये कहेंगे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके पास, प्राइम मिनिस्टर इनका, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। ऐसा ही उन्होंने सेनेट इलेक्शन में किया था जब उन्होंने सादिक संजरानी को चेयरमैन के वोट दिलवाए थे। तो जरदारी साहब बहुत अच्छी पिच पे खेल रहे हैं। इस सब में जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो है मुस्लिम लीग नून का, क्योंकि मुस्लिम लीग नून पंजाब में एक बहुत बड़ी पार्टी है कि जरदारी साहब तो सिर्फ एक सिंध के हिस्से पर विराजमान हैं, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को अपने साथ मिलाकर ये टूटी फूटी हुकूमत ले तो ली या उनके गले डाल दी गई। अब उनको खुद नहीं पता कि हमें हुकूमत दी गई या हमने उनसे ली, इसलिए इनसे ये हुकूमत चल नहीं रही। तो हमारा बतौर आवाम यही मुतालबा है कि अब नए इलेक्शन करवाए जाएं, जो भी हुकूमत आए, चाहे जरदारी साहब वापस आए, नवाज शरीफ साहब आए, इमरान खान आए, मौलाना साहब आए, जो भी आए वो इस मुल्क के लिए अच्छा हो, इस मुल्क के लिए अच्छा सोचे, क्योंकि इन सब चीज़ों में सियासत से बालातर होकर जो सबसे ज़्यादा पिस रहा है वो है गरीब आवाम, वो है हम जैसे लोग। क्योंकि जब हम लोग, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती है, हमारे मुल्क की आवाम जब भी कोई चीज़ बढ़ती है लोग उसको लेने के लिए लाइनों में लग जाते हैं, बजाय इसके कि उसके ऊपर एहतजाज किया जाए, उसके ऊपर रश लग जाता है, लाइनें लग जाती हैं। रात को अगर आप, अभी आपको पता चले कि रात को 12 बजे के बाद पेट्रोल 10 रुपये बढ़ रहा है तो अभी से आप लाइनें देखेंगे। तो ये लम्हा फिक्रिया है कि हम लोग ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे बालातर होकर हम सोचें, इस मुल्क के बारे में सोचें, और जो इस मुल्क के सबसे ज़्यादा ताकतवर तबका है, ताकतवर लोग हैं, अब मेरा इशारा उन्हीं की तरफ है जो आप समझ रहे हैं, उनको भी चाहिए। ऐसे लोगों को आप हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, ये कर दिया है, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस है, बेतहाशा केसेस है। एक साफ सुथरा लीडर आए, एक साफ सुथरी क़यादत आए, हमें मंजूर है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।